एक छोटा सा चैप्टर है, क्या है, द्विगुणन का सिद्धांत। वो बोल रहा है कौन सा चैप्टर, ये बोल रहा है कि होता क्या है, अभी तक क्या पढ़ा था अपना, अर्धकरण। अर्धकरण में हम किसी भी कॉन्सोनेंट को क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे। हमने कहा अर्धकरण का रूल क्या है, वो बोल रहा है यदि किसी व्यंजन को, व्यंजन मीन्स व्यंजन रेखा को, व्यंजन को हाफ कर दें, क्या कर दें, हाफ, हाफ या आधा कर दें, तो उसमें ठीक है वर्ग ऑब्लिक वर्ग जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। यहीं पर ही चैप्टर क्या हो रहा था, खत्म हुआ था। वैसे यहां पर अर्ध की जगह पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हमने एक बताया था, हमने कहा किसी भी व्यंजन को हाफ करेंगे, अगर हम हाफ कर रहे हैं, हमने कहा 70% क्या जुड़ा है, हम टॉ के लिए मानते हैं, ठीक है, 20% मैंने कहा क्या जुड़ा है, टॉ व्यंजन, ये दो व्यंजन है टॉ और टॉ। उसके बाद कितने बचा है, 10%, 10% को कुछ भी हो सकता है, 10% को क्या हो सकता है, या तो वो हो सकता है थ द या ध, ठीक है, या ये होगा या थ द या ध, इनमें से कुछ भी हो सकता हो 10% में। तो आपको किसी भी व्यंजन को आधा करना, सबसे पहले क्या मानोगे आप, टॉ वर्ग मानोगे, टॉ मानोगे सिर्फ, यही नहीं तो आप टॉ लगाओ उस पर, तर्क क्या लगाना, आधा है तो सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें टॉ ही व्यंजन है, नहीं होगा तो टॉ होगा, वो नहीं होगा तो सेंटेंस खुद बताएगा इनमें से कौन सा है, ठीक है। देखो जैसे हमने कहा क्या है, मत था, हमने म को छोटा कर दिया था, ठीक है, या पद था, प को हमने छोटा कर दिया, पद होगा या पद, वह ठीक है, शोभा या पद यात्रा पर निकले, ठीक है, हर पथ पर, पथ होगा तो प, ठीक है, या रात, हमने र को छोटा कर दिया था, बात, हमने कहा ब को हमने छोटा किया था, ठीक है, रात बात, ठीक है, हाथ, हमने ह को छोटा किया था, क्या था, हाथ। ऐसे हमने कहा था किसी को आधा करने का, जैसे हमने कहा प्रांत, अब प्रा था, प्रा नो, तो अब इतने को हमने क्या किया था, आधा किया था, ठीक है, अब इतने को आधा करोगे तो ऐसे करके जुड़ चुका है, इसका प्रांत। ऐसी था एंड, हमने क्या लिखा, टेंट, तो नो, तो अब इतने को हमने क्या करना था, आधा करना था, तो हमने लिखा टेंट, ठीक है, या मंद, मंद के लिए हमने क्या लिखा, म नो द, अभी इतना लिख रहे थे हम, तो इतने को हमने हाफ किया, मन को हमने हाफ किया, द जुड़ चुका, क्योंकि व्यंजन रेखा कौन सी है, म है, नो तो हुक लगा है, नो व्यंजन है, बट शॉर्ट हैंड में नो व्यंजन रेखा नहीं है, शॉर्ट हैंड में क्या है, नो का हुक है, वो नो हुक व्यंजन को प्रकट कर रहा है, कौन से व्यंजन को, ये छोटा जो हुक लगाया अंतिम हुक, वो किसको प्रकट कर रहा है, नो व्यंजन को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन क्या है, म है, और हमने उसको क्लोज कर देना है, मन को हमने क्लोज कर देना है, तो मंद हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे था, हमने लिखा था सम बंद, हमने कहा ये बिंदी बहुत चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, यही बिंदी हमने कहा क्या है हिंदी में, अनुनासिक, अनुनासिक ऑब्लिक अनुस्वार को भी प्रकट कर रही है, यही बिंदी किसको प्रकट कर रही है, आधे मौ को, यही बिंदी क्या प्रकट कर रही है, आधे नौ को, यही बिंदी क्या प्रकट कर रही है, अंग, अंग, अंग को भी प्रकट कर रही है, ठीक है, तो ये बहुत चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया, ये बिंदी क्या प्रकट कर रही है, यहां पर आधा मौ को, और यहां पर यही बिंदी किसको प्रकट कर रही है, आधा नौ को प्रकट कर रही है, कहीं कहीं पे अनुनासिक को भी प्रकट करती है, कहीं कहीं पे क्या है अंग को भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या है संबंध, तो हमने क्या लिखना अभी तक, सौ मौ नौ ध, अरे ये जो मौ है ना, ये मौ, ये क्या है, डार्क है, ठीक है, क्या है, संबंध है, ठीक है, हमने क्या किया इसको, हमने क्या किया इसको आधा करना है, संभ को रूल बोल रहा है, यदि म व्यंजन को, ये म व्यंजन हो, म को डार्क कर दें, क्या कर दें, डार्क कर दें, तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, म व्यंजन को डार्क करने पर क्या जुड़ेगा उसमें, म मप ऑब्लिक मब, ये दो चीजें हो जाएगा, मप मब या क्या होगा, बताओ क्या होगा, मप मब और मब, तीन चीजें हो जा रहे हैं, म को डार करने, इसका मतलब प भी जुड़ा है, भ भी जुड़ा है, ब भी जुड़ा है, ठीक है, तीन चीज, तो हमने ये कहां पढ़ा था, हमने जब हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने, जम्बू तंबू पंप पंप, ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो इसीलिए हमने इसको हमने हाफ किया था, संबंध हो चुका था, अब हाफ किसको कर रहे हैं, इतने को कर रहे हैं हम, जो ये था इतने को हाफ करने पे क्या जुड़ चुका है, ध भी जुड़ चुका था, सॉरी कटानी है यहाँ पर, ठीक है, जिस प्रकार से हमने अर्धकरण हो रहा है ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, द्विकरण हो गया, करण कॉल उठा के देख लो कौन है, ठीक है, क्या है, उसी प्रकार से क्या होगा, वो डार्क भी हो जाएगा, ठीक है, देखो आगे देखो,
ऐसे इसी प्रकार हमने डबलिंग भी है, ठीक है। अर्धकरण मैंने इसलिए कराया ताकि आपको रिपीट हो जाए, ठीक है। अब देखो अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है द्विकरण। द्विकरण में जैसे हमने कहा रूल अर्धकरण में है, सेम रूल द्विकरण में है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। उसमें क्या है, उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी व्यंजन को आधा कर रहे थे तो तावर्ग पाठ कर रहे थे, यहां पर हम क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, डबल। जैसा रूल अर्धकरण में था सेम रूल द्विकरण में, कोई अंतर नहीं है। वहां पर बोल रहा था वो यदि फ या भ या ल के बाद कवर्ग आए क ख ग तो अर्धकरण का यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। या कवर्ग टावर्ग पे कोई बबल आ रहा था, यूज नहीं होता। वही रूल यहां भी होंगे, जैसे यहां पर हमने कहा भक्त तो वहां लिख रहे थे हम भक्त या फैक्ट तो फैक्ट ऐसे लिख रहे थे हम, फै लिखा था, क को हाफ नहीं कर रहे थे, वैसे यहां भी रूल होंगे। इसके बाद भी हम डबल नहीं करेंगे रूल, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। अब देखो हमने कहा द्विकरण का सिद्धांत है, द्विकरण में हमने कहा उसी से पता चला, द्विकरण मीन्स डबलिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसमें हमने क्या कर रहा है कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं। तो रूल बोल रहा है यदि किसी व्यंजन को क्या है, यदि किसी व्यंजन को डबल कर दे, डबल या दुगना, दुगना बोला या दुगना लिखो, ठीक है, दुगना कर दे, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, दुगना कर दे तो उसमें देखो आपने हिंदी में पढ़ा था वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन पता है कहां से कहां तक है, कहां तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, तो उनके पहले पहले हमने पढ़े थे उसमें वर्गीय व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, ठीक है। तो यहां पर देखो अब वर्गीय व्यंजन जितने भी हैं उनके पहले पहले सारे आ रहे हैं। जैसे हमने कहा क्या है, यदि किसी व्यंजन को दुगना कर दे तो उसमें कवर्ग, कवर्ग नहीं सॉरी, कर कार सर सार तर तार तर तार, कहीं कहीं पे पर, बस पर, ठीक है, समझ गए। वर्गीय व्यंजन पहला क्या है, क पहला क्या है, च पहला क्या है, ट पहला क्या है, त कहां पे क्या है, वर्गीय व्यंजन का पहला अक्षर प, बस ये चीजें, बस कहीं कहीं पे गर गार भी हो जाता है, गर गार, ठीक है। इतनी चीजें हैं, इतनी चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कर तार तर तार चर चार तर तार, ठीक है, तर तार, कहीं कहीं पे पर, पार तो होता नहीं है पर ही है, ठीक है, गर और गार भी हो जाता है, ठीक है। की ध्वनि प्रकट करता है, ठीक है, क्या प्रकट करता है, प्रकट करता है, इतने चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा हमने रूल बता दिया, ये है पूरा चैप्टर इसी पे ही खत्म हो जाता है, बस जहां पे इजी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है वहां पे इसका रूल रूल यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा अर्धकरण में था, अर्धकरण में जहां पे आपको इजी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी वहां पे हम क्या नहीं कर रहे थे, उसका यूज नहीं कर रहे थे, आधा नहीं होता। वैसे ही जहां पर आपको सुविधा ना हो, जोड़ना टफ हो रहा हो, वहां पर नहीं करेंगे। इसके कुछ वाक्यांश हैं जहां पर हम तरह के लिए भी यूज होते हैं, मैं अलग से बताऊंगा इसका, ठीक है। जैसे हमने कहा क्या है पत्र, अब देखो त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है, त प्लस र तर, देखो आ चुका है, तो ज्यादातर ऐसे वाले वर्ड मिलेंगे। जैसे हमने कहा ये है पत्र, इसी से बना, पितृ होगा तो ये होगा, पुत्र होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा पत्र, तो हमने ये पत्र लिख दिया। या चित्र, बस चौकट छोटा बड़ा कर दो, बस क्या दिक्कत है, पत्र हो चुका है, चित्र हो चुका है, मित्र मित्र, ठीक है। या यंत्र, यथा नौ का उक है, बस यंत्र। अब हमने डबल की संख्या था यो और नौ, यंग था, यंग को हमने डबल कर दिया है, तो क्या ये बिंदी नौ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, आधा नौ को, मगर साउंड क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, साउंड नहीं आता कभी आधा, ठीक है, साउंड क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो यंत्र ऐसे ही आता है। क्या है कर, जैसे बंदर, दर दर भी हो जाता कहीं पे, हमने लिखा बंदर खत्म, ठीक है। या हंटर, इंटर नहीं, हंटर लाइन से शुरू हो जाएगा, हंटर, आप चाहे तो कंटर भी लिख सकते हैं, कंटर दो तरीके से लिखते हैं कंटर, आप एक ही हो चुका है कंटर, ठीक है, ये हो चुका है कंटर, एक आप कंट लगा करके टर लिख सकते हैं, दो तरीके से हमने कहा है, ठीक है, ये भी कंटर है वो भी कंटर है, बट इससे पहले आप ये वाला पढ़ लोगे, क्यों, क्योंकि इसमें स्पष्ट इस दिख रहा है टर से पहले कन की ध्वनि लगी है, कन कम कान काम, तो इससे पहले आप, इसमें तो बहुत सारे रूल है, इतने सारे पे लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा,
ऐसी कंडीशन में हम कंटर के लिए ऐसा ना करके हम ऐसा लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां केंद्र लिखना आपने, केंद्र ये हो चुका है, केंद्र डबल कर दो, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। या हो जाएगा, या पुत्र, या संपर्क, संपर्क सम हमने लिखा, अभी लिख रहे थे हम सम पर अर्क, यही लिख रहे थे अभी तक हम, अगर हम लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, बट अब द्विगुणन का सिद्धांत क्या बोल रहा, पर ये पर आ रहा कहीं पे, ये देखो किसी को डबल करने पर उसमें क्या जुड़ रहा है, पर जुड़ जा रहा है, तो हमने सम को डबल करना है, ये चुका है संपर्क, ठीक है, तो हो जाएगा। अब कुछ रूल है, जैसे हमने कहा क्या है, किसे वो क्या बोलते हैं उसका नाम वाक्यांश है, जैसे हमने कहा समय पर, समय पर, तो हमने समय को डबल कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, समय पर, ऐसे ही आता है आम तौर पर, क्या आता है आम तौर पर, ठीक है। हमने लिख दिया आम को डबल किया तौर के लिए, तो यहां पर जुड़ चुका है, कभी कभी तौर पर के लिए होता है डबल, कभी कभी तौर के लिए, ठीक है। या निजी तौर पर, निजी तौर पर, अब यहां पर देखो इजी कौन सा हो रहा है, यहां पर तौर करना इजी हो रहा है, जैसे निजी है ये जो क्या निजी, और यहां पर हमने क्या क्या तौर पर, ठीक है, निजी तौर पर हो जाएगा। एक आता है इस तरह है से, जो हमारा इस और इन है, किताब ने दे रखा ऐसा करना है, उसको डबल कर रहे हो, तो आपको ऐसा करने से हम इसकी लेंथ को क्या नहीं कर पाते हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा किताब ने ऐसा दे रखा, देखो किताब ने दे रखा, अगर हम इसको ऐसा बड़ा कर देंगे तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, तरह पढ़ देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसको इसको थोड़ा टेढ़ा करना है, टेढ़ा कैसे करना है, तो जो ये इस था हमारा, हमने इसको बड़ा करना है, तो ऐसे करना है इसे, इस तरह से, इस तरह की, क्या है, इस तरह की, इस तरह की, तो ये हो चुका है इस तरह की, ऐसे करके ऐसे ही आता है इस तरह की बातें, इस तरह की बातें, तो ये हो चुका है इस तरह की बातें, ये है इस तरह की बातें, बहुत हमने छोटा कर दिया, देख रहा बहुत छोटा, चलो और छोटा बना देता हूं, मानते सारी इस तरह की बातें, इस तरह का बातें तो होगा नहीं, इस तरह की बातें होगा नहीं बोलेगा, वो सेंटेंस खुद बता रहा है का के की क्या आ रहा, मैंने कहा आगे जाके वॉवल नहीं लगाते हम, सेंटेंस खुद बता देगा आपको कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो इतना है बस, और कुछ नहीं है, ऐसे ही आता है, कुछ आता है जैसे समय, समय पर, क्या आ रहा है, समय, समय पर, ठीक है, एक ही है समय, समय पर, आपने लिखा समय, दूसरा समय क्या कर दिया आपने, बड़ा कर दिया, समय, समय पर, ठीक है, हो जाएगा, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है, बेटा।